कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते, पर पार्टी की मर्जी है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस में लंबे समय शांति नहीं रह सकती। ये लीजिए, अभी चार दिन पहले ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश कांग्रेस के सभी नए प्रदेश अध्यक्षों को बधाई दी थी, लेकिन साथ ही आशंका जताई थी कि कांग्रेस में ज्यादा दिन तक शांति नहीं रह सकती, और उनकी ये भविष्यवाणी अब सच साबित होने लगी है। गुरुवार को जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ये कह दिया कि उनके हिसाब से कुलदीप बिश्नोई ज्यादा बेहतर प्रदेश अध्यक्ष होते, लेकिन पार्टी की मर्जी से उदयभान को अध्यक्ष बना दिया गया। कुलदीप बिश्नोई पहले ही नाराज थे, और उनके इस बयान के बाद नाराज कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को एक चिंगारी लगाकर सुरजेवाला ने और तेज भड़का दिया, जिसका नतीजा है कि कुलदीप बिश्नोई ने सीएलपी लीडर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की और पार्टी का निर्णय है। नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं, पर मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है, और कुलदीप बिश्नोई जी को बेहतरीन संगठनात्मक जगह उनकी सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए पार्टी देगी, मुझे उम्मीद है। मुझे यह भी पता है कि कुलदीप बिश्नोई भी, अगर पहली बात तो शैलजा जी बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर पार्टी की मर्जी है, कई बार हालात पैदा हो जाते हैं और उन्होंने खुद स्वेच्छा से आगे बढ़कर अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, इस्तीफा दे दिया था। कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते, पर पार्टी की मर्जी है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और उनकी सेवाओं को एक काबिल नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी जरूर इस्तेमाल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कांग्रेस ने गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही हुड्डा के करीबी होटल से पूर्व विधायक रहे उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी, और कई धड़ों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने के लिए हर धड़े से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके नीचे लगा दिया, ताकि सब एक मंच पर साथ आ जाएं। मगर ये हो न सका। जब फरीदाबाद में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस रूपी विपक्ष जनता के समक्ष पहुंचा, तो पार्टी के बड़े नेता एक बार फिर नदारद रहे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 8 साल से संगठन का प्रदेश में विस्तार न कर पाने की टीस कांग्रेस में आखिरकार एक बार फिर बदलाव तो ले आई, मगर फायदा सिर्फ इतना हुआ कि कई धड़ों में बटी हुई कांग्रेस अब 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ तो कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा हैं, तो दूसरी तरफ हुड्डा और उनके समर्थक हैं। ऐसे में 2024 की तैयारी कांग्रेस कैसे करेगी, ये सवाल आलाकमान के आगे पहले भी मुंह बाएं खड़ा था और अब भी सीना ताने खड़ा है। बहरहाल कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मुलाकात कर आखिरी कोशिश तो करने वाले हैं, आलाकमान भी उन्हें मनाने में जुटा है, मगर आगे क्या होना है ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।